ग्वारीघाट तट पर साधु संत महात्माओं के कई आश्रम स्थित हैं। गुरु पूर्णिमा के धर्म के अवसर पर इन आश्रमों में कई भक्त पहुंचे और अपने अपने गुरुओं का पूजन कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुओं ने अपने सभी भक्तों और शिष्यों को गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं दी। आज व्यास पूर्णिमा के दिन पर जगह जगह पर सभी शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करके उनसे देश के हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज की इस महामारी के अंदर जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियमों का पालन करते हुए गुरु से यही प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भक्त लोग भी कि ये जो महामारी आई है जल्द से जल्द दूर हो जाए और सबके अंदर में एक उत्साह उमंग हो। चाइना के बॉर्डर पर जो चल रहा है उसके लिए भी परमात्मा से हमने प्रार्थना की कि परमात्मा इस कार्य को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि सबका जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक भक्ति का आगे स्तर बढ़ नहीं सकता। भक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए गुरु से आज समय हमने प्रार्थना की कि सदगुरु जी बाबा मोहनदास जी, इस गुरुधाम से जुड़े हुए सभी शिष्य लोग, नर्मदा मैया से जुड़े हुए सभी शिष्य लोग से हमारी यही विनती है कि अपने अपने स्थान पर रह करके सब लोग प्रगति की और इस समय जो चल रहा है उसके लिए प्रार्थना जरूरी जरूर करें। बोल गुरुदेव भगवान की जय।